मित्रों नमस्कार, आए एक्सीड प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर मैं राघवेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि हमारी संस्था के द्वारा बैच के प्रारंभ में ही यह कमिटमेंट किया गया था विद्यार्थियों से कि हमारी संस्था आपको पांच मॉक टेस्ट देगी, जिसमें पहला हमारा मॉक टेस्ट हुआ अभी पिछले 12 तारीख को, अभी कल ही। ठीक है दोस्त, तो मैं यहाँ पे संस्कृत का विषय विशेषज्ञ हूँ, तो मैं आपके सामने संस्कृत के जो 30 प्रश्न हैं उसका हल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ दोस्त। तो हमारे पर्चे में ये जो संस्कृत का भाग है प्रश्न नंबर 61 से प्रारंभ हो रहा है। पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि रीवर्ड का प्रश्न है, रीवर्ड का उच्चारण स्थान, रीवर्ड का उच्चारण स्थान है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन इसका दिया गया पेपर में कंठ, बी ऑप्शन इसका तालु, सी ऑप्शन इसका दंत और डी ऑप्शन इसका जो है वो है मूर्धा। देखिए दोस्त, ये जो कहा गया रीवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। ये जो आपके सामने लिखा गया कंठ, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम देखते हैं तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आ का, कवर्ग का, हा का और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, कंठ इसका सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने आया तालु का, तो हमने इसका सूत्र पढ़ा है इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, तो यहाँ पे ई च वर्ग या और शा इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दंत आया, इसका सूत्र आया ऋतु लसा नाम, ऋतु लसा नाम दंत, कहने का अभिप्राय है कि ऋ तू, तू माने तवर्ग, ला और सा इसका उच्चारण स्थान दंत है, तो दोस्त इसका ये वाला भी विकल्प गलत है। ठीक है, तो इन तीन विकल्पों के गलत हो जाने से ऑटोमेटिक ये वाला विकल्प सही हो जाएगा हमारा, तो इसका जो विकल्प है मूर्धा होगा, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो कहता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टू, टू माने टावर्ग, रा और सा इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्त वो होगा मूर्धा। तो जो री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आ रहा है, इस प्रश्न में 62 नंबर का प्रश्न है, लिखा गया है ओ दौतो हो, ओ दौतो हो, इसके आगे डैश 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 है। इसमें चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंठ तालु, दूसरा ऑप्शन है दंतोष्ठम, सी नंबर का ऑप्शन है कंठोष्ठम और डी नंबर का ऑप्शन है तालु। देखिए, जैसा कि हम ओ दौतो हो कंठोष्ठम सूत्र पढ़ते हैं, ओ दौतो यहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमको,
यह जो है सूत्र ये कहता है कि ओ और औ की, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है। तो इसका जो सही उत्तर है, जो सही हल इसका है वो होगा सी नंबर। तो ओ दौतोः कंठ ओष्ठम, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। तो तीसरा प्रश्न है, महावीर चरितम, महावीर चरितम किसकी रचना है, महावीर चरितम किसकी रचना है। तो इसमें चार ऑप्शन है दोस्त। पहले ऑप्शन पे आया भवभूति, बी में कालिदास, कालिदास, सी पर भास और डी पर नाम आता है श्री हर्ष का। देखिए जो महावीर चरितम है, एक महाकवि हुए भवभूति, महाकवि भवभूति की तीन रचनाएं हैं। तीन रचनाओं में पहली रचना उनकी है उत्तर रामचरितम, दूसरी रचना है उनकी महावीर चरितम और तीसरी रचना है उनकी मालती माधवम, मालती माधवम। तो हमारे यह जो 63 नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए सबसे जो उपयुक्त उत्तर है वो ए नंबर पे है, भवभूति। महावीर चरितम के रचनाकार कौन है या महावीर चरितम किसकी रचना है, तो यह भवभूति की रचना है, ठीक है। इसके बाद हमारा 64 नंबर का प्रश्न आ रहा है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, चौसठ नंबर का प्रश्न आया कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह कथन कहां से लिया गया है, यह कथन कहां से उद्घृत है। तो पहला ऑप्शन आया हमारा किरातार्जुनीयम से, ए नंबर। बी नंबर का ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम से, अभिज्ञान शाकुंतलम। सी नंबर का ऑप्शन है उत्तर रामचरितम से, उत्तर रामचरितम से। और डी नंबर का ऑप्शन है दोस्त मेघदूतम से। देखिए जो कहा गया कि जो हितकारी और मनोहारी वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, ठीक है। हितकारी और मनोहारी वचन क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। वनेचर आकर के युधिष्ठिर से इन सब बातों को बताता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में यह बात कही गई हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ठीक है दोस्त। इसके बाद हमारा अगला नंबर का प्रश्न आ रहा है, 65 नंबर का प्रश्न, पैंसठ नंबर का प्रश्न है पावकः, पावकः का, पावकः का संधि विच्छेद होगा, पावकः का संधि विच्छेद होगा। इसमें पहला ऑप्शन आया पोधन अकः, दूसरा ऑप्शन आया
पावधन अकह। तीसरा ऑप्शन आया पौधन अकह और चौथा ऑप्शन आया पूधन अकह। देखिए ये कह रहा है कि पावकह में कौन सी संधि है, तो पावकह में हमारी तो संधि है अयादि संधि जिसका सूत्र है एचो यवायावह। एचो यवायावह ये कहता है कि ए ओ आई और औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाए, आव आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आव औ के स्थान पर आव आदेश होगा तो इसका देखिए यहाँ पे पाव पावकह, तो पावकह का जो सही उत्तर है वो है सी नंबर पौधन अकह, इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्त, इसके बाद हमारा 66 नंबर का प्रश्न आ रहा है आपके सामने। छाछठ नंबर का प्रश्न है सचित, सचित में कौन सी संधि है, सचित में कौन सी संधि है, तो इसमें चार ऑप्शन, एक आया इश्चुत्व, एक है जस्त्व, एक है अनुस्वार और एक है आपका प्रकृति भाव। देखिए एक सूत्र हमारा आता है स्तोह इश्चुना इश्चु, स्तोह स्तोह इश्चुना इश्चु। देखिए ये कहता है कि सकार सकार एवं, सकार एवं तवर्ग के बाद, सकार एवं तवर्ग के बाद सकार एवं चवर्ग, कहता है कि सकार एवं तवर्ग के बाद सकार एवं चवर्ग आता है तो इस वाले सकार के स्थान पे सकार हो जाएगा तथा तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश हो जाएगा, अर्थात दंत सा के स्थान पे तालव्य सा तथा तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश हो जाएगा। तो देखते हैं तो सत धन चित इसको हमने अलग अलग किया, ठीक है, तो यहाँ पे अंत में ता है तो इसका परिवर्तन चा में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको दोस्त सचित और यहाँ पे संधि हमारी हो जाएगी इश्चुत्व संधि। ठीक है अगला नंबर आया हमारा प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, सड़सठ नंबर पे प्रश्न आया प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति है, तो देखिए इसके चार ऑप्शन इस प्रश्न पुस्तिका में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है ए नंबर प्रथमा, बी नंबर पे है तृतीया, सी नंबर पे है पंचमी और डी नंबर पे है दोस्तों
षष्ठी। पूछ रहा है प्रश्न, प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो हम लोग कारक में पहला ही सूत्र पढ़ते हैं, प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो सबसे पहली विभक्ति, जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रथमा, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। इसके बाद अगला प्रश्न आया, अगला प्रश्न है रमेशः पुष्पेभ्यः स्पृहयति। रमेशः पुष्पेभ्यः स्पृहयति वाक्य में पुष्पेभ्यः, पूछा है कि पुष्पेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति, पुष्पेभ्य में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसमें चार ऑप्शन आए हैं दोस्त। पहले नंबर पे जो ऑप्शन है वो है स्पृहे रीप्सितः, दूसरा है रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, ए नंबर पे ऑप्शन आया स्पृहे रीप्सितः, दूसरा आया रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, तीसरा आया जो सी नंबर पे मृतः, और डी नंबर पे है अपादाने पंचमी। तो आपके पास चार ऑप्शन है। कह रहा है कि रमेशः पुष्पेभ्यः स्पृहयति, वाक्य में पूछा है कि पुष्पेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन है? तो हमारे सामने जो पहला ऑप्शन आया स्पृहे रीप्सितः, ये कहता है कि स्पृह धातु के योग में जो ईप्सित पदार्थ हो, जिसका चाहा जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जैसे हम कहें रमेशः, रमेश फूलों को चाहता है, तो रमेश यहां किसको चाह रहा है? फूलों को चाह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्पृहे रीप्सितः, ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 69 नंबर का प्रश्न आया हमारे सामने, 69 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है? रघुवंश महाकाव्य में कुल, रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं दोस्त? तो इसमें पहला ऑप्शन आया है 18, दूसरा 19, तीसरा 20 और चौथा 21, ए बी सी और डी। इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, 18, 19, 20 और 21। तो रघुवंश महाकाव्यम की रचना कालिदास ने की, और रघुवंश महाकाव्यम में कितने सर्ग हैं? तो सर्गों की संख्या 19 है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है दोस्त। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 70 नंबर का प्रश्न है, कहा कि द्वि यमुनम में कौन सा समास है? प्रश्न पुस्तिका में इसकी प्रश्न संख्या है 70 और प्रश्न है द्वि यमुनम में कौन सा
समास है, द्वियमुनम में कौन सा समास है? देखिए इसमें चार ऑप्शन आए हमारे सामने। ए नंबर अव्ययी भाव, बी नंबर द्विगु, सी नंबर द्वंद्व और डी नंबर जो है बहुव्रीही। देखिए पूछ रहा है कि द्वियमुनम में कौन सा समास है। यहां पर पहले हमको पढ़ाया जाता था कि संख्या पूर्वो द्विगु, जहां पर पूर्व पद में संख्या हो उनको द्विगु समास जानना चाहिए, लेकिन ये जो द्वियमुनम है यह द्विगु समास का अपवाद है। एक सूत्र आता है लघु सिद्धांत कौमुदी में, नदीभिश्च, कौन सा सूत्र आता है? नदीभिश्च सूत्र आता है। यह सूत्र कहता है कि संख्या के बाद उत्तर पद में यदि नदीवाचक शब्द होंगे तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। नदीवाचक शब्द यदि उत्तर पद में होगा संख्या के तो वहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसलिए नदीभिश्च सूत्र से, जैसे मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाए पंचगंगम सप्त नर्मदम, तो वहां भी आपका द्विगु समास, वो सॉरी अव्ययी भाव समास ही होगा, जैसे यहां पे हुआ। द्वियमुनम में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। 71 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71, सदा सीति ही, सदा सदा सीति ही का अर्थ है, सदा सीति का अर्थ है तो एक ऑप्शन 56, दूसरा ऑप्शन 66, तीसरा ऑप्शन 76 और चौथा ऑप्शन आपके सामने आया 86। देखिए इसमें दो बातें हैं, एक सड है और दूसरा है असीति ही। सड धन असीति ही, संस्कृत में सड माने छह और असीति माने अस्सी, छह और अस्सी को जोड़ेंगे दोस्त तो हमारा कितना आएगा? 86। सड धन असीति ही, दोनों में दीर्घ संधि हो गई तो ये हमारा बना सडा सीति, ये बना सडा सीति। तो सड माने छः, असीति माने अस्सी, तो 86 होगा दोस्त। तो हमारा इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही है, द करेक्ट आंसर इज 86। ठीक है, 72 नंबर का प्रश्न आया, बहत्तर नंबर का प्रश्न है, 96 का संस्कृत में होगा, क्या होगा? 96 का संस्कृत में होगा, इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक षड्नवति, दूसरा है षड्नवति, एक में हलंत है एक में हलंत नहीं है, एक है षण्णवति ही और एक है नवषष्ठी। देखिए पहला ऑप्शन आया षड्नवति, दूसरा ऑप्शन आया षड्नवति, एक में हलंत नहीं, बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, इसको पढ़ते हैं सरणवती ही। यह प्रश्न
पिछले यूपीटीटी 2018 में भी पूछा गया था, तो 96 का जो संस्कृत में होगा वो बनेगा शरणवती। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ रहा है कि कर्ता में कौन सा प्रत्यय पूछे हैं। कर्ता में कर्ता 73 प्रश्न संख्या पूछा है, कर्ता में कौन सा प्रत्यय है, कर्ता में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर एक दिया इसने त्रिच, दूसरा ऑप्शन आया अणुवुल, तीसरा ऑप्शन आया ल्यप और चौथा ऑप्शन है इसमें तुमुन। देखिए कह रहा है कि कर्ता में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए दोस्तों एक धातु होती है क्री, और क्री धातु से जब हम त्रिच प्रत्यय करते हैं तो उससे कर्ता शब्द बनता है, तो यहां पे जो सही उत्तर है इसका त्रिच प्रत्यय। कर्ता में कौन सा प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 74 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 74 हमारे सामने आया कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, पूछा उपसर्गों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 74 उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें ऑप्शन है 20, 21, 22 और 23, ए बी सी डी। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है उत्तर। इसके बाद प्रश्न 75 में आया कि नत्वा, पूछा है कि नत्वा में प्रत्यय है, नत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए एक प्रत्यय लिखा है त्वा, बी नंबर ये वाला त्वा, सी नंबर रूल और डी नंबर पे है लियप। देखिए जो लघु सिद्धांत कौमुदी की शुरुआत होती है तो वरद राजाचार्य ने कहा नत्वा सरस्वती देवीम शुद्धाम गुड़याम कराव करोम में हम, तो एक आया हमारा नम धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे दोस्त। जैसे गम धातु से त्वा प्रत्यय करने पे गत्वा बनता है, उसी प्रकार नम धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो नत्वा बनेगा। इसका जो सही उत्तर है वो होगा त्वा, नम धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो नत्वा बनेगा, यहाँ पे त्वा प्रत्यय है, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 हमारे सामने आ रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 76 आया कि अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी नहीं तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारे, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। देखिए पूछ रहा है अजात शत्रु में कौन सा समास है दोस्तों, तो हमारा पहला ऑप्शन बहुव्रीहि, दूसरा नहीं तत्पुरुष,
तीसरा कर्मधार है और चौथा द्वंद्व। तो देखिए, अजात शत्रु का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जिसका शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ हो। तो देखिए, ना जन्मना जो इसका विग्रह बनेगा, ना जन्मना शत्रु यस्य सह, ना जन्मना शत्रु यस्य सह बराबर अजात शत्रु। अजात शत्रु अर्थात युधिष्ठिर। तो कहा जिसका शत्रु ही उत्पन्न नहीं हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर पे बहुव्रीहि समास होगा। अजात शत्रु में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि। इसके बाद अगला नंबर का प्रश्न हमारा आया कि नवरस में कौन सा समास है। नवरस में कौन सा समास है, तो इसमें ए नंबर पे है हमारा, ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है हमारा बहुव्रीहि, सी ऑप्शन है हमारा द्वंद्व और डी ऑप्शन है हमारा कर्मधारय। देखिए, यहां पे कहा गया नवरस में कौन सा समास है, नवरस पूछा है। तो देखिए, यहां पे पहले संख्या में आपको दिख रहा है नौ, तो आप सोचेंगे कि यहां पे द्विगु समास है। देखिए, अगर आप यहां पे ऐसा समास करते हैं नवा नाम रसा नाम समाहारः, नवा नाम रसा नाम समाहारः, अगर ऐसा समास आप करेंगे तो नवरस नहीं बनेगा दोस्त, वो क्या बनेगा, नवरसी बनेगा। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा करते हैं तो त्रिलोकी बनता है, पंचानाम मूलानाम समाहारा करते हैं तो पंचमूली बनता है। अगर नवा नाम रसा नाम समाहारः इसमें द्विगु समास करेंगे तो ये नवरसी बनेगा, जो कि यह अशुद्ध पद है, नवरसी शब्द नहीं बनता है, नवरसी पद नहीं बनता है, पद कौन सा बनता है, नवरस बनता है। ठीक है, तो यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय। नवश्चा असौ रसः, इसका जो विग्रह करेंगे हम, नवश्चा असौ रसः इति नवरसः। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे हम विग्रह करेंगे तो यहां पे कर्मधारय समास हमारा इसका सही उत्तर होगा। नवरस में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा आ रहा है 78 नंबर पे, लाकृति में संधि है। प्रश्न पूछा गया है कि लाकृति में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर ए यण, ऑप्शन नंबर बी गुण, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ और ऑप्शन नंबर डी इसका है वो है वृद्धि। देखिए, हमने सबसे पहले यण संधि को देखते हैं, तो हमने नियम पढ़ा है इको यणचि, क्या पढ़ा है इको यणचि, इक के बाद अच आता है तो इक के स्थान पे क्या हो जाता है, यण हो जाता है। ठीक है, तो लाकृति को जब हम तोड़ते हैं तो यहां पे मिलता है ली धन आकृति। यहां पे ली जो है ई ऊ री ली,
इक का है और जो आगे आ है ये अच का आ है, तो लरी के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो ला धन आकृति बराबर हमारा ये रूप बन गया लाकृति। तो इसका जो राइट आंसर है वो यड़ है, ए नंबर पे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ रहा है दोस्त, 79 नंबर का प्रश्न है, वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा, उन्यासी नंबर पे वृद्धि संज्ञा होती है। चार ऑप्शन है, आ ए ओ, आ आई आओ, आ ए ओ आ आओ, ए बी सी डी। पूछ रहा है कि वृद्धि संज्ञा किन वर्णों की होती है, वृद्धि संज्ञा वाला सही जोड़ा है इसमें। तो देखिए हम वृद्धि संज्ञा का सूत्र पढ़ते हैं तो आता है हमारे सामने वृद्धि रादैच। क्या आता है? वृद्धि रादैच आता है ना। तो कहते हैं वृद्धि धन आत धन ऐच। अच्छा, तो आत माने होता है आ, ऐच माने होता है आई और औ। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्त वो है बी नंबर पे, आ आई औ। तो आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। इसके बाद 80 नंबर पे प्रश्न आया है कि पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो एक ऑप्शन है उसमें 16, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 20। तो पुराणों की संख्या जो है दोस्त वो होगा 18, सी ऑप्शन सही है इसमें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, इसके बाद 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 पे आता है, सही वाक्य छांटिए, सही वाक्य छांटना है इसमें। पहला जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारे सामने आया दोस्त, सह पापात जुगुप्सते, सह पापात जुगुप्सते। दूसरा ऑप्शन आया सह पापस्य जुगुप्सते। सी नंबर पे आया सह पापेन जुगुप्सते, सह पापेन जुगुप्सते। और डी नंबर पे आया सह पापाय जुगुप्सते। यह जो प्रश्न है, यह जो शुद्ध करने के लिए वाक्य आया है, यह प्रश्न हमारा कारक का है दोस्त। हम पंचमी विभक्ति में एक सूत्र पढ़ते हैं पहले ही, जुगुप्सा जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम और प्रमाद इन अर्थों अर्थ वाले धातुओं के योग में जिससे घृणा किया जाए, जिससे असावधानी बरती जाए और जिससे घमंड किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे लिखा है ना सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्त वो है ए, 81 में सही ऑप्शन होगा ए।
82 नंबर का प्रश्न आ रहा है, पूछा है कि प्रारम्य में कौन सा प्रत्यय है, प्रारम्य में कौन सा प्रत्यय है, 82 नंबर का प्रश्न है आपका। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके सामने आया ल्यप, ऑप्शन नंबर बी आया अनियर, सी नंबर पे आया ढाक और डी नंबर पे आया आपका फक। देखिए प्रारम्य यहां पे प्राधातु है, सॉरी प्रा उपसर्ग है, नम धातु है, त्वा प्रत्यय था लेकिन त्वा के स्थान पर क्या आदेश हो गया, ल्यप आदेश हो गया। धातु के पहले यदि कोई उपसर्ग होता है तो त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ल्यप, प्रारम्य में ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया 83 नंबर पे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 आ रहा है, कहा प्रतिदिनम में कौन सा समास है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो एक ऑप्शन आया केवल समास, ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल समास, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी है इसका बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर डी है इसका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो देखिए प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो पहला ऑप्शन आया केवल समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और ऑप्शन नंबर चार पे अव्ययी भाव समास है जो इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव इस करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84 में आया पुनर्धन रमते, प्रश्न है पुनर्धन रमते में पूर्वरा का लोप, पूर्वरा का लोप किस सूत्र से, पूर्वरा का लोप किस सूत्र से हुआ। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने आया ऑप्शन नंबर ए खारिचा, ऑप्शन नंबर बी हसचा, ऑप्शन नंबर सी रोरी और ऑप्शन नंबर डी इष्टुनाष्टु। तो देखिए पुनर्धन रमते में पूर्वरा का जो लोप करता है वह सूत्र है दोस्त रोरी। रोर सूत्र कहता है या कहता है कि यदि रा के बाद रा आता है, रा के बाद रा आया है पुनर करा और रमते करा, यदि रा के बाद रा आता है तो पहले वाले रा का क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो पहले रा का लोप करने वाला जो सूत्र है रोरी है, इसका सही उत्तर है सी
इसके बाद प्रश्न संख्या 85, प्रश्न संख्या 85 में आया धा धातु से त्वा प्रत्यय करने पर, धा धातु से त्वा प्रत्यय करने पर रूप बनता है। धा धातु से त्वा प्रत्यय करने पर रूप बनता है तो एक लिखा है धात्वा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है इसका दत्वा, सी ऑप्शन है इसका हित्वा और डी ऑप्शन है इसका धायित्वा। कह रहा है कि धा धातु से त्वा प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनेगा। देखिए एक सूत्र है दधा तेरहि, दधा तेरहि, यह सूत्र कहता है कि दा के स्थान पर ता हो जाता है और धा के स्थान पर क्या हो जाता है, ही हो जाता है। तो इस धा के स्थान पे ही हो जाएगा तो ही धन त्वा बन जाएगा, इस का लोप। इसके बाद जो रूप हमारा बनेगा वो होगा हित्वा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 86 में पूछा गया रामः खादति, प्रश्न है रामः खादति, 86 नंबर का प्रश्न, रामः खादति, रामः खादति का भाववाच्य, रामः खादति का भाववाच्य होगा। रामः खादति का भाववाच्य क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए, कहा रामेण खादति, ऑप्शन नंबर बी रामेण खाद्य से, रामेण खाद्य से, ऑप्शन नंबर सी रामेण खाद्यते, खाद्यते और ऑप्शन नंबर डी रामेण खादय। ये चार ऑप्शन आपके सामने आए। तो कहता है कि राम खाता है, राम खाता है का भाववाच्य होगा। देखिए भाववाच्य जो है अकर्मक धातुओं से होता है, भाववाच्य में केवल कर्ता होगी, सॉरी कर्ता होगा और क्रिया होगी, भाववाच्य में कर्ता और क्रिया। तो भाववाच्य में जो कर्ता होगा वो आपका जाएगा तृतीया में और जो क्रिया होगी आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन, कर्ता तृतीया में और आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन में क्रिया रहेगी। तो राम का जो तृतीया एकवचन में रूप बनता है रामेण और खादति का रूप बनेगा खाद्यते। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रामेण खाद्यते इस करेक्ट आंसर। इसके बाद 87 नंबर का प्रश्न आया, 87 नंबर के प्रश्न में है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाक्य में अव्यय पद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन नंबर ए है यदा यदा, ऑप्शन नंबर बी है ग्लानि, ऑप्शन नंबर सी है धर्मस्य और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका जो इसमें जो अव्यय पद है ऑप्शन नंबर ए यदा यदा, यदा यदा माने जब जब। प्रश्न संख्या 88 में पूछा गया
कि चाचा शब्द की संस्कृत क्या होगी, चाचा, चाचा शब्द की सही संस्कृत क्या होगी, इसके लिए चार ऑप्शन आए। ऑप्शन नंबर ए पितृव्यः, ऑप्शन नंबर बी मातुलः, ऑप्शन नंबर सी पितृश्वसा और ऑप्शन नंबर डी पितृव्या। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पितृव्या बनेगा दोस्त। इसके बाद प्रश्न संख्या 89 आया हमारा कि छंदानुगत प्रणाली है, कहा कि छंद की जो प्रणाली है, कहा गद्य, गद्य की, पद्य की, चंपू काव्य की और जंतु कथा की, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा हमारी पद्य की। पद्य जो है छंद मुक्त नहीं होता, वो छंद से युक्त होता है। प्रश्न संख्या 90 को सॉल्व करते हैं दोस्त। यहां पे प्रश्न संख्या 90 है, कह रहा है कि खा का बाह्य प्रयत्न होगा, खा का बाह्य प्रयत्न होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए बना विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, विवार श्वास, विवार श्वास, अघोष, महाप्राण, विवार सॉरी संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, महाप्राण तथा एक ऑप्शन संवार नाद घोष अल्पप्राण। देखिए पूछा है खा का बाह्य प्रयत्न होगा, तो बाह्य प्रयत्न हम जानते हैं कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है, विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो देखिए एक हम जानते हैं कि एक होता है, एक प्रत्याहार है खर, कहा गया खरो विवारो श्वासो अघोषाश्च, विवार श्वास और अघोष, तो यह हमारा जो खा है इसका बाह्य प्रयत्न तो विवार श्वास अघोष होता ही है, तथा ये जो खा है हमारा ये महाप्राण भी है, तो इसके साथ ही हमारा जो सही उत्तर बनेगा विवार श्वास अघोष महाप्राण, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विवार श्वास अघोष और महाप्राण। ठीक है दोस्त, आज यहीं तक, बाकी बातें अगले मॉक टेस्ट में।